हे गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं जेब्रोनिक्स ब्रांड का सबवूफर, जो कि काफी सही दाम में हमें फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मिल जाता है अगर ऑफर चल रहा हो तो। बात करें तो इसका पूरा नाम है जेब्रोनिक्स जेब इंडी 4.1 स्पीकर है, और आप देख सकते हैं इसका डिजाइन यहाँ पर आपके सामने है। आज इसका हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और साथ में फुल डिटेल रिव्यू देंगे कि ये स्पीकर कैसा रहेगा अगर आप इसको बाय करते हैं। हमें इसको यूज करते हो गए हैं 2 मंथ, उसके बाद हम अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं आपको एक सही से और असली जानकारी, एक ट्रूथ रिव्यू प्रोडक्ट का दिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो नाम तो आपने यहाँ पर देख लिया है, जेब इंडी इसका नाम है। 4.1 स्पीकर है, 1, 2, 3, 4 चैनल देखने को मिलते हैं, 4 चैनल और एक सबवूफर के साथ ही आपको देखने को मिलता है। विद एक रिमोट दिखता है जो आईआर मोड है, ना कि ब्लूटूथ रिमोट। ये आपको ध्यान रखना होगा। आईआर रिमोट का मतलब ये है कि जब आप इसके सामने करेंगे, मतलब ये जो लाइट दिख रही है, इसके सामने से रिमोट को यूज करेंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। ऐसे आप इस रिमोट को यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब आप एक जगह पर रहकर ही इस रिमोट को यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं। इस चीज का आप ध्यान रखें। फीचर्स की बात की जाए तो वायरलेस ब्लूटूथ, यूएसबी, एसडी कार्ड, एफपीएम, एफएम और ऑक्स का यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे एक स्टाइलिश लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि इन सब में दी गई है और इसमें भी दी गई है, वो आपको बाद में रिव्यू में पता चल जाएगा। ये इसके फीचर्स हैं। बाकी बात करते हैं इसके बॉक्स की। बॉक्स सभी तरफ से सेम है लगभग, और यहाँ पे है ऋतिक रोशन की फोटो। जैसे कि आपको पता है कि जेब्रोनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन, और यहाँ पर आपको इनके सिग्नेचर भी देखने को मिलेंगे। ये है इनके सिग्नेचर अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो ये इस तरफ से है, और इस तरह इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। ये फीचर्स हैं इसके। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अगर हम चाहें तो इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बताना शुरू किया तो काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसको आगे करते हैं, स्किप करते हैं और आपको आगे इसको पूरा खोल के रिव्यू देते हैं। तो चलिए इसकी फटाफट से करते हैं हम जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग। तो आप एक बार इसकी पैकिंग देख लीजिए, इस तरीके की इसकी पैकिंग रहती है। एक ये और ये रहा सब ऊपर पैकिंग निकालते हैं। एक ये साइड में और इसमें देते हैं। ये रहे इसके 4 चैनल। ये 4 चैनल आपके सामने आ गए हैं। तो ये काफी, अगर बात की जाए साइज की, तो ये मिनिमम 1 फुट है। जी हाँ, 1 फीट का एक एक इसका पैन चैनल है। तो चलिए अभी ये रहा इसका सब ऊपर, आप देख सकते हैं काफी बिग साइज में है। इसके साइज की बात की जाए तो ये भी लगभग 1 फीट के नियर बाई है। और बाकी बक्से की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को क्या क्या मिलता है, खुद देख लीजिए। एक ये रही, एक बुकलेट मिलती है हमें देखने को, साथ ही में हमें देखने को मिलती है ऑक्स केबल, अगर आपको ऑक्स केबल से कनेक्ट करना हो तो। बाकी ये रहा रिमोट, और बाकी ये रही पैकिंग, उसको जल्दी से करते हैं साइड में। और एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखे हो उस टाइम फीचर्स, तो यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। देख लिया आपने, ये इसको भी हम कर देते हैं ओपन। तो ये देखिए, ये रहा आपका 4.1 सब ऊपर जेब्रोनिक्स जेब इंडी। अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये रिमोट है इसका, और ये एक बुकलेट है जिसमें सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है, और वायर को कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको बताया गया है। तो रिमोट में सेल हमने डाल रखे हैं, इसलिए इसमें ऑलरेडी सेल है, और साथ में सेल मिलते भी हैं, तो आप उनको, आपको सेल एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिमोट को फिलहाल के लिए करते हैं साइड में, और इनको करते हैं कनेक्ट। आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं कैसे कनेक्ट होता है इनको। ये ऑक्स केबल। बाकी बात करें फीचर्स की, तो ये रहा इसका मेन सब ऊपर, और ये आपको जो चैनल देखने को मिलते हैं इसमें 15 वाट 15 वाट 15 वाट और 15 वाट, 60 वाट का ये टोटल हो जाता है, और 45 वाट का ये सबवूफर है, मतलब टोटल मिला के 105 वाट का ये सबवूफर बन जाता है। तो अभी इसके फीचर्स की बात की जाए तो आप बैक साइड में देख सकते हैं, ये इसके प्लेस है जहां पे हमको जो है इनकी वायर्स को जो है वो कनेक्ट करना है, या ऑक्स केबल को। और बात करें इस वायर की, तो ये एफएम का एंटीना है जिसको आप अपने तरीके से इधर उधर करके एफएम का जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये रही इसकी वायर, वायर काफी अच्छी दे रखी है। तो
वायर की क्वालिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं वायर की लेंथ लगभग 1.5 मीटर है, आप देख सकते हैं काफी लंबाई है इसकी, 1.5 मीटर इसकी लेंथ है वायर की। बाकी यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे जो लगते हैं तो आप देख रहे होंगे इसमें हमें दो देखने को मिलते हैं, एक येलो कलर का एक ब्लैक कलर का। तो जो ब्लैक कलर का है वो आपको इनमें लगाने हैं, सभी ब्लैक कलर के चार पैनल है हमारे पास, चार पैनलों के हमें इधर लगाने हैं ठीक है। और जो ये येलो वाला है इसको हमें पुट करना है ये नीचे वाले चार में, नीचे वाले ध्यान से रखें, और ऊपर वाला रेड और व्हाइट में आपको लगेगी ऑक्स केबल, ये रही रेड वाली राइट में और लेफ्ट वाली सॉरी व्हाइट वाली लेफ्ट में, तो ये सबसे ऊपर लगेगी ऑक्स केबल, नीचे लगेंगे येलो वाले चारों में, कैसे भी आप लगा सकते हैं, मतलब कैसे नहीं लगा सकते मैं आपको थोड़ी सा यहाँ पे बता देता हूँ। मतलब जो पैनल आपको चैनल राइट में रखना है उसका आप येलो वाला राइट में लगाएंगे, और जो चैनल आपको लेफ्ट में रखना है उसका आप येलो वाला लेफ्ट में लगाएंगे। तो अपने तरीके से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा राइट में रखना है कौन सा लेफ्ट में रखना है, हम आपको अच्छे से दिखा भी देंगे वैसे। तो चलिए हमने इसके फीचर्स बता दिए, बैक साइड में अपने देख लिया, और यहाँ पे इसके जो है मेन ब्रांडिंग रहती है प्रोडक्ट की तो वो यहाँ पे है। बाकी इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, फ्रंट फीचर्स दिखाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक एलईडी लाइट, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या ऑप्शन अभी चालू है। यहाँ पे आपको लाइट का कलर देखने को मिल जाएगा, जब आपकी वॉल्यूम 80 से अब जाती है तो यहाँ पे लाइट जो है वो अप डाउन होती है, जो काफी कूल लुक जो है वूफर को देती है और आपके रूम को भी। इनमें भी लाइट आती है, और लाइट इनमें आती है जो ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर जो है लाइट के लिए यूज होता है। अगर आपको लाइट ऑफ रखनी है इनमें से तो आप ब्लैक कलर के वायर को निकाल दीजिए, आपकी लाइट जो है इनमें से ऑफ हो जाएगी। अगर आपको फिर से लाइट चालू करनी है ब्लैक कलर वाला लगा दीजिए, आपकी लाइट जो है वो चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनकी लाइट जो है ऑफ कर सकते हैं। इसकी लाइट ऑफ करने का कोई भी फीचर उपलब्ध नहीं है, बस आप 80 से नीचे वॉल्यूम रखिए इसकी लाइट ऑफ रहेगी, अगर अब जाएगी तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। बात करें तो ये हमें बास का मिल जाता है और ये हमें ट्रेबल का देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ये ट्रेबल का हमें देखने को मिल जाता है, ये बास का देखने को मिल जाता है, और ये वॉल्यूम बटन, इससे और कोई फीचर नहीं होता, जस्ट वॉल्यूम अप और डाउन होती है, ये बास के लिए और ये ट्रेबल के लिए, तीन फीचर है। बेस्ट आपने देख लिया उसका भी आप समझ गए, और बताते हैं आपको कि यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। अगर बड़ा आपके पास डालना है एसडी कार्ड तो आप यहाँ पे पोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगानी है यूएसबी तो आप यहाँ पे यूएसबी लगा सकते हैं। इससे जो है इनपुट होता है, लाइक हमें चेंज करना है ब्लूटूथ करना है या ऑक्स करना है या यूएसबी करना है, जो भी मोड आपको ट्रांसफर करना है एफएम मोड करना है, तो ये उसके लिए ये है। ये जो नेक्स्ट बटन है इसकी बात की जाए ये प्रीवियस के लिए है, और मतलब प्रीवियस गाना लगाना है तो या प्रीवियस वीडियो लगाना है उसके लिए, पहले जो वीडियो चल रही थी उसको लगाना है उसके लिए ये बटन सेकंड वाला। अगर हमें नेक्स्ट वीडियो लगानी है तो ये लास्ट वाला बटन है, इसे आप नेक्स्ट लगा सकते हैं ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है तो ये है, और प्ले और पॉज करना है तो उसके लिए ये बटन है थर्ड नंबर का। तो यहाँ पे चार फीचर देखने को मिलते हैं विद एसडी कार्ड एंड यूएसबी। चलिए अभी हम इनको कनेक्ट करते हैं और आपको दिखा देंगे कैसे कनेक्ट करना है। तो हम कर लेते हैं इसको उल्टा, तो ये हमने उल्टा कर दिया, तो आपको एक बार जल्दी से हम इनकी सारी वायर्स को वो कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी वायरें जो है वो ओपन कर ली हैं, आप लेंथ देख सकते हैं इनकी, लेंथ जो है लगभग 2 मीटर है, अगर आपको इनको प्लेस करने का पे तो 2 मीटर इनकी लेंथ है, आप देख सकते हो काफी लंबाई है, मतलब अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हो काफी लंबी लेंथ यहाँ पे देखने को मिलती है, 2 मीटर इनकी लेंथ है, और इसके जो मेन वायर है इसकी लेंथ है 1.5 मीटर के नियर बाई, और ये रही ऑक्स केबल। तो ऑक्स केबल को हम बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले आपको दिखा देते हैं, जैसे कि आपको बताया ब्लैक कलर वाली इनमें और येलो कलर वाली इनमें, तो ये है अब आप वीडियो जिस तरीके से देख रहे हैं ये होंगे आपके राइट में और वो होंगे आपके लेफ्ट में, तो इन्हें हम जो है राइट में कनेक्ट करेंगे और उन्हें लेफ्ट में कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा फ्रंट राइट, मतलब उस इस तरीके हम इधर से जब देख रहे हैं तो हमारे लिए लेफ्ट राइट अलग होगा, लेकिन सामने से जब देखेंगे तो लेफ्ट राइट अलग होगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट, तो हमारा जो राइट में है उसको हम इनमें इनको लगा रहे हैं राइट में, ये रहा, और ये ब्लैक कलर वाला हम यहाँ पे कहीं पे भी लगा देंगे ठीक है। ओके, तो अभी जल्दी से हम वायर्स को इंस्टॉल करते हैं, ये राइट में लगा देंगे, सॉरी ये लेफ्ट में जाएगा तो इसको हम लेफ्ट में करेंगे, अगर आप जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे होगा, ये लेफ्ट में लगा दिया फ्रंट लेफ्ट में, फ्रंट लेफ्ट इसको पुट कर दिया, देने की वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, लगा दिया, और ये रहा लास्ट वाला जो कि राइट वाला है। तो आप देख सकते हैं वायर को कैसे कनेक्ट करना है, इस तरीके से कनेक्ट करना है, जो ऑक्स केबल रहती है तो आपको रेड वाली को इधर और व्हाइट वाली को इधर पुट करना है, आपकी वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम इनको जल्दी से पोजीशन में कर लेते हैं,
इनको लेके जाएंगे हम आपके लेफ्ट में और उनको लेके जाएंगे आपके राइट में, मतलब जो आप व्यू देख रहे हैं वैसे असल में होगा ये राइट में और वो लेफ्ट में। चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं हम मूव। ये होगा आपका पूरा सबवूफर सिस्टम तैयार, तो रेडी है। चलिए इसकी वायर्स को जल्दी से कनेक्ट करते हैं। फीचर्स आपने देख लिए हैं, बाकी कनेक्शन कैसे देना है वो भी आपने देख लिया है। चलिए जल्दी से इसको बिजली से कनेक्ट करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। चलिए रखा और ये आप देख सकते हैं लाइट्स आ गई, लाइट्स आ गई, लाइट्स लाइट्स अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं काफी बड़ी लाइट आई है, यहाँ पे ऑक्स में रहता है नॉर्मली। अगर आपको पहले हम ऑक्स से गाने लगा के दिखाते हैं, चलिए जल्दी से हम फोन कनेक्ट करते हैं। तो जल्दी से इसको ऑक्स से कनेक्ट करते हैं और आपके लिए थोड़ा सा इसको चलाते दिखाते हैं। तो ये रही हमारी ऑक्स केबल, तो ये ऑक्स में है तो फिलहाल के लिए इसको ऑक्स में कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो गया और साउंड का तो आपने देखा ही, जैसे ये ऑन होता है तो 13 पे वॉल्यूम इसकी चली जाती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड को इग्नोर कीजिएगा, आई एम सॉरी। देखिए कनेक्शन कनेक्ट हो गया है ऑक्स के साथ, हमने आपको गाने जो है वो प्ले करके दिखा दिए हैं। तो बाकी आपने यहाँ पे देखा कि ये साउंड जो है वो 80 से अबव है, इसलिए यहाँ पे भी रोशनी आ रही है। अब आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं ब्लूटूथ से। ऑक्स है यहाँ पे, तो रिमोट हमारा ये रहा, तो एक बार इसे ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये ऑफ, ये ऑफ हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा आ गया और ये ऑन हुआ, तो इसकी साउंड एकदम से 30 चलेगी जो इसकी मैक्स वॉल्यूम रहती है। तो चलिए ऑक्स से हमने आपको दिखा दिया, अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये ऑक्स कर देते हैं बस, इससे भी हम चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ लिखा हुआ है और बाकी हम इससे भी चेंज कर सकते हैं इनपुट से, अगर हमें रिमोट से चेंज नहीं करना है। तो ब्लूटूथ जल्दी से हम कनेक्ट करते हैं। आपको अपने फोन में ब्लूटूथ खोल लेनी है, उसके बाद जाना आपको पेयर में और वहां पे आएगा लिख के जब इंडी, उसको कनेक्ट कर देना है। तो देखिए कनेक्ट हो गया, तो इस वक्त सॉन्ग पॉज है तो यहाँ पे लिख के आ गया पॉज, जैसे प्ले होगा तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा, बाकी साउंड भी आपको दिखा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट चली गई, वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो आपने देख लिया, बाकी हम इसके 2-3 वीडियो जो है बास टेस्ट के लिए शॉर्ट वीडियो में भी पुट कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो भी बास टेस्ट करना है अपने फोन में तो हेडफोन लगा के कीजिएगा, आपको इसकी एक्चुअल साउंड का पता चल जाएगा। एक बार हम एक और गाना प्ले करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको लेफ्ट और राइट का भी गाना प्ले करके दिखाएंगे कि ये थिएटर जैसा आपको फीलिंग देता है कि नहीं देता है। तो बाकी आपने सभी फीचर आपको दिखा दिए हैं, तो चलिए एक और गाना थोड़ा सा प्ले करके और फिर लेफ्ट एंड राइट वाला गाना प्ले करके आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं हम लेफ्ट एंड राइट। आपको यहाँ पे पूरी टेस्टिंग दिखा दी है, अनबॉक्सिंग दिखा दी है, आपको रिव्यू दिखा दिया है। हमारे हिसाब से ये काफी बजट फ्रेंडली और काफी बढ़िया सबवूफर आपको जैब्रोनिक्स दे रहा है, और हमारी नजर में काफी बढ़िया सबवूफर है। अगर आपको ऐसे सबवूफर पसंद है तो हाँ, आप इसको इजीली बिना किसी डाउट के बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी हमारे लेटेस्ट शिकायत हो नीचे कमेंट कीजिएगा, या प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना लव जो है इस वीडियो पे दिखाइएगा। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए, अनबॉक्सिंग के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, एंड्रॉइड से जुड़ी या टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।